आज हम बनाएंगे रोस्टेड चूड़ा। इसके लिए हमने लिए चूड़ा, मूंगफली और कुछ सूखे मेवे और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी। एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली देखिए रोस्ट हो चुकी है। मूंगफली को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे, छान लेंगे, छान करके इसको अलग रख लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, 1 चम्मच जीरा डाल दिया हमने, 2 मिर्च डाल दिए हैं, सूखे मेवे डाल दिए हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश और नारियल, आप कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। अच्छे से इसको हम लो फ्लेम पे भून लेते हैं। देखिए मूंगफली एकदम से रोस्ट हो चुकी है, मेवा भी रोस्ट हो चुका है। सबको हम अलग कर लेते हैं। कढ़ाई में अब हम 1 चम्मच हल्दी डाल करके सारे चूड़े को डाल देंगे। चूड़े को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये सारे चूड़े एक ही कलर के ना हो जाएं और कुछ कुरकुरे भी हो जाएं। चूड़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रोस्टेड चूड़ा चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। अगर हो सके तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट शेयर ज़रूर करें। इसमें सारे मेवों को हम मिला देंगे, मूंगफली भी मिला देंगे। देखिए चूड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, जितना अच्छा लगता है देखने में उतना अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।